हेलो एंड नमस्कार एवरीवन, मैं डॉक्टर महिमा आज आपका स्वागत करती हूँ भारत होम्योपैथी में। आज हम बात करेंगे इक्थायोसिस वल्गैरिस के बारे में, जो कि एक चर्म रोग है, यानी कि एक स्किन डिजीज़ है, एक ऐसा डिसऑर्डर है जिसमें जो स्किन है वो एक्सेसिवली ड्राई हो जाती है और ड्राइनेस की वजह से, खुश्की की वजह से वो इतनी फट जाती है कि उसको फिश लाइक स्किन, ऐसे कि जैसे फ़िश की स्किन होती है, जैसे फ़िश के स्किन्स होते हैं, ऐसे उसका कंपैरिजन किया जाता है। तो बात करते हैं कि ऐसा क्या होता है कि जो स्किन है हमारी वो इतनी ड्राई हो जाती है, इतनी स्केली हो जाती है कि वो फटने लगती है, और ऐसे क्या क्या लक्षण इक्थायोसिस वल्गैरिस में आते हैं, इस वीडियो में आपको मैं ये सब ही बताऊँगी। तो इक्थायोसिस वल्गैरिस में जो लक्षण है, जो सिम्टम है, वो आते हैं कि आपकी जो स्किन है बहुत ज़्यादा ड्राई हो रही है, वो उसमें स्केलिंग भी आ सकती है, जैसे ब्रिक का पैटर्न होता है ऐसे आपकी स्किन फट सकती है। अब जब इतनी ज़्यादा ड्राइनेस स्किन में आएगी, अगर कहीं पर भी ज़्यादा खुश्की आती है, ड्राइनेस आती है, तो वो चीज़ फटने लगती है, टूटने लगती है। अब अगर आपकी स्किन ब्रेक होगी, फटेगी, तो वहाँ पर ब्लीडिंग भी हो सकती है। अगर आपको ब्लीडिंग की प्रॉब्लम आएगी तो वहाँ पे आपको पेन होगा, इचिंग की प्रॉब्लम आ सकती है। तो ये सब जो लक्षण है, ये इक्थायोसिस वल्गैरिस के लक्षण हैं। अब ऐसा क्या होता है कि आपको इक्थायोसिस वल्गैरिस की स्किन डिजीज़ हो जाती है? नॉर्मली ये जो स्किन डिजीज़ होता है ये बचपन से बाय बर्थ होता है। आपके मदर फादर की जो हिस्ट्री है उसमें मिलता है कि आपके पेरेंट्स में ऐसा हुआ है कि बहुत उनकी स्किन ड्राई है, पर बाद में वो ठीक हो गई है, या फिर ज़्यादा ड्राइनेस नहीं है, पूरी बॉडी पर नहीं है, कहीं कहीं एक दो पैच है कि बहुत ड्राइनेस होती है, कुछ वो मॉइस्चराइज़र कुछ ऐसा अप्लाई करते हैं फिर ठीक हो जाती है। अब अगर किसी बच्चे में मदर और फादर के दो जीन्स मिलकर उसका डोमिनेंट जीन आ जाता है, तो उस बच्चे में ये जो बीमारी है बढ़कर सिम्टम देती है। उस बच्चे में ये बीमारी पूरी बॉडी पर भी हो सकती है, या फिर कहीं कहीं एक किसी पार्ट पर भी हो सकती है। अगर पूरी बॉडी पर होगी तो उसको ज़्यादा प्रॉब्लम, ज़्यादा इशू क्रिएट होंगे, ज़्यादा उसको दिक्कतें महसूस होगी। अब बात करते हैं कि कितने टाइप्स की ये जो इक्थायोसिस वल्गैरिस होती है और कहाँ कहाँ पर ऐसी ड्राइनेस हमें मिल सकती है। जो इक्थायोसिस वल्गैरिस होती है 20 टाइप्स की होती है, जो इसकी वैरायटीज होती है 20 या 20 से ज़्यादा भी हो सकती है। मोस्ट कॉमनली लिप्स पे मिलती है, हाथों पर भी मिल सकती है, या फिर पूरी बॉडी पर कहीं पर भी मिल सकती है, जहाँ पर आपको इतनी ड्राइनेस हो, जैसे कि फट रही है स्किन, आप मॉइस्चराइज़र लगा रहे हैं फिर भी ठीक नहीं हो रही है। कुछ प्रिवेंशन की अगर मैं बात करूं, तो प्रिवेंशन में आप खुद को अगर हाइड्रेटेड रखें, तो एक मैनेजमेंट होगा कि आप अच्छे से पानी पी रहे हैं। कुछ ऐसे फ्रूट्स होते हैं जो कि आपको हाइड्रेटेड रखने की हेल्प करते हैं, जैसे कि वाटरमेलन हो गया, और क्यूक्यूम्बर आप खा सकते हैं। क्यूक्यूम्बर का जो वाटर कंटेंट होता है वो ज़्यादा है। ये सब फ्रूट्स और ये वाटर इनटेक से तो आपकी जो वाटर की क्वांटिटी होगी उससे आपको अंदर से मॉइस्ट मिलेगा, बट आप बाहर से भी एक्सटर्नली भी खुद को मॉइस्चराइज करते रहे, जहाँ पर भी ये आपकी स्किन ड्राई हुई है, इक्थायोसिस वल्गैरिस का पैच आया है, वहाँ पे आप मॉइस्चराइज़र या फिर एलोवेरा को यूज़ कर सकते हैं। इससे क्या होगा, जो आपकी तकलीफ़ें हैं उससे आपको थोड़ा सा मैनेज आप उसको कर सकते हैं। बट अगर ट्रीटमेंट की हम बात करें, अगर हम इक्थायोसिस वल्गैरिस के क्योर की बात करें, तो क्योर आपको तभी मिलेगा जब ये जड़ से आपका ठीक होगा, इसका हम कारण जब ठीक करेंगे। कारण के बारे में मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगी कि इक्थायोसिस वल्गैरिस का कारण क्या होता है। आज की वीडियो में आपने जाना है कि उसके सिम्टम क्या होते हैं और क्या क्या परेशानी आपको फेस करने को मिलती है। तो अगर आप इक्थायोसिस वल्गैरिस के सिम्टम अपनी बॉडी में देख सकते हैं, जो मैंने आपको अभी सिम्टम बताया, आप मैच कर रहे हैं सिम्टम, तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और मेरी भारत होम्योपैथी की मेडिकल टीम आपकी हेल्प करेगी, हमारे स्किन स्पेशलिस्ट आपसे जुड़ेंगे और आपकी हेल्प करेंगे आपके इक्थायोसिस वल्गैरिस को ठीक करने में। धन्यवाद।